निजीकरण के खिलाफ आज वाराणसी में पीएमओ कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने जा रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस ने जिले में जारी धारा 144 को देखते हुए एक जगह पर लोगों को इकट्ठा होने और नारेबाजी करने से बिजली विभाग के कर्मचारियों को रोका। विद्युत विभाग के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने जा रहे कर्मचारियों को पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, जिस पर कर्मचारियों ने भेलूपुर क्षेत्राधिकारी चक्रपाणि त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। आज यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय पर हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमारा आंदोलन निजीकरण के खिलाफ 1 सितम्बर से लगातार चल रहा है और सरकार ने इस बात को कहा है कि सारे क्षेत्रों का, पूरे देश के हर क्षेत्र का निजीकरण किया जाएगा और उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण की बात आ रही है। हमारा विरोध इस बात का है कि यदि निजीकरण किया जाता है तो कर्मचारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए भी परेशानी होगी और जो उपभोक्ता सौभाग्य योजना के तहत भी कनेक्शन पाए हुए हैं उनके लिए भी बिजली जलाना असंभव हो जाएगा। इस संबंध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति घटक के सदस्य आरके वाही ने बताया कि सरकार के द्वारा विद्युत निगमों का निजीकरण करना सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि विद्युत निगमों का निजीकरण होने से जनता पर इसका बोझ पड़ेगा। निजीकरण के जरिए बिजली की दरों में इजाफा होगा और जनता को बढ़ी हुई कीमतें अदा करनी पड़ेंगी, क्योंकि 7.90 रुपए का रेट इस बिजली का पड़ रहा है और 16% के मुनाफे के साथ साथ करीब 9.5 रुपए के आसपास जो प्राइवेट कंपनी होगी वो उपभोक्ताओं को बिजली देगी और 9.5 रुपए के बाद जो और सब चार्जेस लगते हैं मिला जुला करके 10 रुपए के ऊपर उनका बिजली का रेट होगा। ऐसे में ये संभव नहीं है कि आम आदमी, आम नागरिक इस बिजली को जला पाए प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद। हमारा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इस निर्णय पर पुनः विचार करें और जनता की भलाई के लिए और कर्मचारियों की भलाई के लिए इस निर्णय को वापस लेने का सख्त करें। आप लोग 2 अक्टूबर तक ज्ञापन दो कार्यक्रम चला रहे हैं, तो क्या पहला कार्यक्रम आपने यहाँ से शुरू किया, तो क्या यहाँ पे आपका ज्ञापन संसदीय कार्यालय में लिया गया कि नहीं लिया गया? नहीं, ऐसा है कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए थे, मगर चूंकि ऐसी व्यवस्था कर दी गई है या ऐसा निर्देश इनको दिया गया है कि वहाँ तक जाने की व्यवस्था ठप की गई है और यहाँ CO साहब ने हम लोगों का ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया है कि हम इसको प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। ठीक। एशियन न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।